हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 7 जून और 7 जून को लेकर मैंने कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के सवाल की। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि हाल ही में किस देश की जिलोमेल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया के पहली महिला बन गई है, तो वो देश कौन है जी? वो देश है भारत। भारत की केरल की रहने वाली जिलोमेट मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली पहली महिला बन गई एशिया की, है ना। सबसे बात कर लेते हैं केरल की, तो केरल की जो राजधानी है कहाँ है जी? तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के सीएम कौन है? पी विजयन जी है। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और केरल के राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसके सीटों की संख्या 9 है और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। जिलोमेल मैरियट के बारे में कहा जाता है कि यह बचपन से ही, यानी यह इसका जो पैदाइश हुआ, यह जन्म जो ली बिना हाथों के ही ली और यह पैर से कार को चलाती है। चलिए बात कर लेते हैं 7 जून के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने, यानी केंद्रीय मंत्री ने मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने हेतु राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है, तो वो केंद्रीय मंत्री कौन है जी? नितिन गडकरी। ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं जो पशुओं की मौत रोकने हेतु राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका मोटो क्या था जी कि इस जागरूकता अभियान को चालू करने का? तो यह इन्होंने क्या किया, कौन? नितिन गडकरी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम, किस पे? मानव और पशु मृत्यु दर, बहुत ही ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से इसकी मृत्यु हो रही है, तो उसके रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया, और जिससे नैतिकता, अर्थव्यवस्था और परिस्थिति से हमारे देश में ये 3 महत्वपूर्ण स्तंभ बन सके। कौन सा? नैतिकता, अर्थव्यवस्था और परिस्थिति। तो ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 1 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु RBI कितने करोड़ रुपए का कोष बनाएगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 500 करोड़। कितना? तो 500 करोड़। चलिए बात आई RBI की, तो RBI की स्थापना कब हुई थी जी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है जी? मुंबई, है ना, मुंबई। और इसके गवर्नर कौन है? प्रेजेंट टाइम के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास जी हैं ना। चलिए अब ये जो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह 500 करोड़ रुपए का जो कोष बनाया है, राहत कोष, तो क्यों बनाया जी? क्योंकि ये छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह 500 रुपये का भुगतान संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा की है, और इसके तहत छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल, यानी POS पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा जी? उस छोटे शहरों और राज्यों के आर्थिक स्थिति और विकसित होगी, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन से शीर्ष पर आया, यानी यूनिवर्सिटी में, एशिया में यूनिवर्सिटी में कौन सा शीर्ष पर रहा? वो है सिंगवा यूनिवर्सिटी। कौन है जी? सिंगवा यूनिवर्सिटी। अब बात आई सिंगवा यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1911 में हुई थी, है ना। लेकिन और यह है कहाँ पे? तो यह है चीन में, बीजिंग शहर में चीन में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है जी? क्यू योंग है, क्यू योंग है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संपदन अभियान शुरू किया है ना, संपदन अभियान शुरू किया है, तो वो राज्य कौन सा है जी, तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। तो यह अभियान क्यों चलाया गया? तो यह अभियान जितने अभी अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे चोरी छीना झपटी है ना, डकैती यानी क्राइम वाली चीज़ें बहुत सारी हो रही है, तो उससे क्या हो जा रहा है कि पुलिस लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं यानी तनाव में आ रहे हैं, तो इसी तनाव से बचने के लिए यह संपदन अभियान शुरू किया गया है। बात आई छत्तीसगढ़ की है ना, बात आई छत्तीसगढ़ की, तो इसके बारे में जान लेते। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है जी? रायपुर है ना, और इसके सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी हैं, और इसके गवर्नर कौन यानी राज्यपाल कौन है जी? अनुसुईया यूके जी हैं, और इसमें राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा की है, तो वो राज्य कौन है जी? तो वो राज्य है केरल। कौन सा है? केरल। क्यों दिया जा रहा है मुफ्त इंटरनेट? हाँ, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं वो डिजिटल, हमारा भारत क्या हो रहा है, डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर हो रहा है, तो हर एक गांव शहर में डिजिटलाइजेशन लाने की हो रहा है, और केरल जो है जो कि शिक्षित राज्य देश है, हमारे भारत में सबसे शिक्षित राज्य कौन है? तो केरल है। इन्होंने ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा की। चलिए बात आई केरल की है ना, तो केरल की राजधानी कहाँ है जी? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम कौन है जी? पी विजयन जी हैं, और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है जी? आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। हाँ भाई, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है जी? राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया जी? प्रकाश जावड़ेकर जी, या केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्री है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री है। नगर वन कार्यक्रम का मोटो क्या है जी? नाम से ही पता चलता है कि हर एक शहरों में पेड़ पौधे लगाना, वनों की उत्पत्ति करना है ना, वनों में बढ़ावा लाना है ना, ये इसका मूल मोटो है। वैसे भी हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो उसको लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्यों में बाघों की सबसे अधिक मौत हो रही है? तो सबसे अधिक मौत जो हो रही है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश में हो रही है। हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मौत हुई है, और कुल मौतों में से 369 मौत जो है प्राकृतिक कारण, और 168 मौत क्या हुआ है? अवैध शिकार के कारण हुआ है, और एमपी राज्य में सबसे ज्यादा 173 यानी अकेले 173 बाघों की मौत हुई है। इसके बाद क्या है? महाराष्ट्र का स्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने पीपी पहनने वालों की मदद के लिए समेरव यानी SUMERVPSES नामक उपकरण विकसित किया है? तो किसने किया है जी? यह DRDO ने किया है। किसने किया है?
किस संगठन ने? तो यह डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है इंग्लिश में? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इस उपकरण का विकसित करने का मोटो क्या था? तो यानी जो व्यक्तिगत सुरक्षा यानी पीपीई पहनने वालों को बिना पसीना बहाए आराम महसूस करने में मदद करता है, वो पीपीई पहनने वाले लोगों को होने वाली असुविधा के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद डीआरडीओ ने एक व्यक्तिगत वायु संचालन प्रणाली विकसित किया। यानी व्यक्तिगत वायु संचालन, जो पीपीई पहनने के बाद उसको क्या होता है कि जो फेस को क्या करता है, यह कवर करता है या पूरा बॉडी को कवर करता है, उसमें क्या होता है कि वायु नहीं जा पाता है। तो उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए डीआरडीओ ने यह SUMERVPACS नामक उपकरण विकसित किया है और यह प्रणाली एक छोटे से बैग के रूप में है जिसका वजन लगभग 500 ग्राम है। यानी एक छोटा सा बैग आप लटका लीजिए, आपके अंदर जो भी गर्मी आएगी वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, पसीना खत्म हो जाएगी, है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वाहन मित्र योजना, यानी एक योजना है वाहन मित्र योजना, यह किस राज्य की पहल है? तो यह किस राज्य की पहल है जी? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य की पहल है। तो क्यों यह योजना लाया गया जी? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया, COVID-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों की मदद के लिए 10,000, कितना, 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता उन वाहन मित्र योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की गई है, किसके, YSR वाहन मित्र योजना के तहत क्या किया गया है, यह सहायता प्रदान की गई है और जो मूल रूप से 2019 में ही शुरू कर दी गई थी, और ताकि बीमा प्रीमियम लाइसेंस शुल्क और अन्य आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये का वार्षिक भत्ता इस योजना के तहत मिलेगा। 10,000 रुपये वार्षिक, यानी एक साल में 10,000 रुपये उसको इस योजना के तहत मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के एम्बेसडर और अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो वे हैं ब्रिजेंद्र नवनीत जी। यानी ब्रिजेंद्र नवनीत जी को WTO में भारत के एम्बेसडर और अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आए ब्रिजेंद्र नवनीत, यह 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो 3 साल के अवधि के लिए, कितने, 3 साल की अवधि के लिए WTO में भारत के राजदूत और अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, है ना। अब विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में जान ले, तो WTO का मुख्यालय कहाँ है जी, जनेवा है, कहाँ है, जनेवा है। और इसका जो स्थापना कब हुआ था जी, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, रॉबर्टो एजवेडो, कौन है जी, रॉबर्टो एजवेडो जी हैं। तो ये हो गए 7 जून के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंस रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज हमने पूछा है कि हाल ही में ओलंपिक समिति का स्थापना दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 4 जून 5 जून 6 जून और 2 जून। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।